Good morning, dear student. Welcome in online class. Myself, Aparna Pandey. I am your science teacher. Class 6. Today we discuss rest part of chapter 1, food and its sources. Let's start. What do animals eat? You know that some animals graze grass or eat leaves. Some animals eat flesh of animals dead or after killing them. ये तो आपको पता है कि कुछ animals क्या करते हैं? घास को खाते हैं, लीव्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या ईट करते हैं? फ्लैश को ईट करते हैं, एनिमल को किल करके. दिस मीन्स दैट एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. ये चीज़ें बताती हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर फूड. ये डिपेंड करते हैं अदर सोर्स पर फूड के लिए. सो दे आर नोन है हेटरोट्रोपस. इसलिए इन्हें हेटरोट्रोपस कहा जाता है. हेटरोट्रोपस वो एनिमल होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कंज्यूमर होते हैं जो प्रिपेयर्ड फूड को खाते हैं. जैसे जो प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है खुद के लिए, और दूसरा ये एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड एंड फॉलोज. इस बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. उसे अब हम डिस्कस करते हैं. हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं. एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, काऊ, बफेलो, हॉर्स, शिप. अब इनमें कुछ अडॉप्टेशन होता है. क्यों ये हर्बीवोरस होते हैं? हर्बीवोरस हैव सम मॉडिफाइड बॉडी पार्ट टू गेट और ईट देयर फूड. स्क्वायरल्स एंड रैबिट हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट नट्स एंड सीड्स इन स्मॉल पीसेस. स्क्वायरल, गिलहरी और रैबिट में क्या होता है, फ्रंट के जो टीथ होते हैं, जो उनके इंसाइसेस होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, जो सीड्स और नट्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं. सेम और हॉर्स और काउ के क्या होते हैं, शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जो चीज़ों को कट कर लेते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट हिंड टीथ टू ग्राइंड. और इनके ब्रॉड और फ्लैट हिंड टीथ होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं. एलिफेंट के लॉन्ग टस्क होते हैं जो क्या करते हैं, लिफ्ट देयर फूड एंड पुट इनटू देयर माउथ. जो फूड को लिफ्ट करा के माउथ के अंदर ले सकते हैं. बफेलोस कैमल्स ये क्या करते हैं, अपने जो ये फूड खाते हैं उसको थोड़ी देर के बाद, पहले तो ये प्रॉपरली खा लेते हैं, फिर बाद में उसको च्यू करते हैं, प्रॉपरली उसको ग्राइंड करते हैं. वो हार्ट हाफ च्यू करके अंदर स्टमक में ले लेते हैं, फिर उसको रिटर्न बैक करते हैं अपने माउथ में, वो प्रॉपरली उसको च्यू करते हैं. इस प्रोसेस को कर्डलिंग कहा जाता है. कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं. एग्जाम्पल हो गया लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, फ्रॉग, फॉक्स. इनमें भी कुछ अडॉप्टेशन होते हैं. लॉयंस और टाइगर के क्या होते हैं, शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, पावरफुल जॉ होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, फ्लैश को टियर कर पाते हैं. स्नैक क्या करता है, अपने प्रे को पूरी तरह निगल लेता है. ईगल्स क्या करता है, ईगल्स हैव कर्व्ड एंड पॉइंटेड कीक्स टू टियर द फ्लैश. ईगल्स से क्या होते हैं, जो उनकी जो चोंच होती है वो पॉइंटेड होती है, जिससे वो क्या करते हैं, फ्लैश को फाड़ लेते हैं. ठीक है. शार्क भी क्या करता है, शार्क हैव मैनी स्मॉल एंड शार्प टीथ. बहुत छोटे और बड़े स्मॉल शार्प टीथ होते हैं जिससे वो फ्लैश को बाइट कर लेता है. चैमलियंस एंड फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग कैच देयर प्रे. कुछ जैसे फ्रॉग वगैरह ये सब क्या होते हैं, स्टिक टंग होते हैं जिससे वो प्रे को कैच कर लेते हैं. ओमनिवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अदर एनिमल्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट पर भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स के फ्लैश पर भी डिपेंडेंट हैं. जैसे
क्रो स्पैरो हैंड बियर एक्स्ट्रा। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? वल्चर्स जैकाल हाइंस एक्स्ट्रा आर कार्निवोरस बट दे डू नॉट प्रे दे ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड। स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं जैसे वल्चर जैकाल और हाइंस। डिकम्पोजर होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या फीड करते हैं? डेड प्लांट और एनिमल को। ये उस डेड प्लांट और एनिमल्स की बॉडी को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, इससे इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। आप लोगों को बच्चों इंटरलीफ कॉपी बनानी है, ओके? इंटरलीफ कॉपी बनेगी, चैप्टर का नाम डालिएगा चैप्टर वन, देन चैप्टर का नाम, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिएगा। सब कुछ कॉपी में लिखना है आपको। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज फूड गिव्स अस ए एनर्जी, बी इंग्रेडिएंट, सी ऑब्जेक्ट, डी डिजीज। आपको चारों ऑप्शन लिखने ए बी सी। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे और करेक्ट वाला आंसर लिखोगे, नहीं, आपको चारों लिखने हैं और करेक्ट वाले पर टिक का साइन लगाना है। फर्स्ट, फूड गिव्स अस एनर्जी। सेकंड, कैरेट एंड रेडिश आर एग्जांपल ऑफ रूट। पोटैटो एंड जिंजर्स आर एग्जांपल ऑफ स्टेम। रैबिट इज अ हर्बीवोरस। सेकंड, द सब्सटेंस दैट विच द फूड डी इज मिसिंग ऑन देयर इस फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। बिरयानी इज मेड फॉर राइस। क्लोव्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइस। शुगर इज ऑब्टेन फॉर शुगर केन। इतनी चीज़ें बच्चों आप प्रॉपरली कॉपी में करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।